नमस्कार। आज एक जजमेंट आया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, उसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। ये जो निर्णय हुआ है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जिसे हक़े ज़ुरियत पे कहते हैं, जो हिंदू लॉ में सेक्शन 9 में प्रोवाइडेड है और एन मुल्ला साहब की जो मुस्लिम लॉ की बुक है, क्योंकि स्टेचुअरी कोई लॉ तो है नहीं मुस्लिम, तो जो मुल्ला साहब की बुक है उसमें उसका वर्णन है। और अब क्योंकि सेक्शन 7 आ चुका है फैमिली कोर्ट एक्ट को, तो सारे केसेस उसमें कवर होते हैं हर बिरादरी के। इस मामले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बगैर इच्छा के दूसरा निकाह कर लिया और उसे शुद्ध होकर के वो जो पहली पत्नी थी वो अपने मैके चली गई। उनके वालिद के पास जो पढ़ा है हमने जजमेंट पे, काफ़ी प्रॉपर्टी थी वहाँ चली गई। तो शौहर ने मुकदमा डाला हक़े ज़ुरियत का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, फैमिली कोर्ट में डाला होगा। वहाँ पे शायद ये ऑर्डर हुआ, डायरेक्शन दी कि हक़े ज़ुरियत निभाने के लिए वो जो महिला है अपने पति के पास जाए। अब ये मामला विचरण के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट आया और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता सुना और निर्णय किया। उसमें उन्होंने मुस्लिम्स के पवित्र ग्रंथ कुरान साहिब का भी, उनमें जो आयतें हैं उनका भी जिक्र किया है, जिसके अनुसार कोई भी मुस्लिम शौहर अपनी पहली पत्नी के रहते हुए बगैर उसकी इजाज़त से दूसरा निकाह नहीं कर सकता। ये ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कोर्ट किया है और वो आयत भी कोट की है, वो चैप्टर भी कोट किया है कुरान शरीफ का जिसमें लिखा हुआ है। अब ये बात आई कि अगर दूसरा निकाह पहली बीवी की रजामंदी के खिलाफ किया है तो क्या पहली पत्नी को हक़े ज़ुरियत करने का आदेश कोर्ट दे सकता है? ऑनरेबल हाईकोर्ट ने निर्णय दिया बिल्कुल नहीं दे सकता। दूसरे पति ने उसके जीते जी उसकी बगैर इजाज़त के दूसरा निकाह किया है, इस कारण वह बाध्य नहीं है पत्नी धर्म निभाने का अपने पति के साथ। वाकई ये काबिले तारीफ जजमेंट है, डिटेल दी गई है इसमें, जो शरीयत में लिखा है उसको भी दिया है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको डिस्कस किया है, ये नहीं कि खाली कॉमन सिविल को डिस्कस किया हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई शौहर पहली घरवाली के जिंदा रहते हुए निकाह वेल्ड रहते हुए अगर उससे पूछे बगैर दूसरी महिला से निकाह कर लेता है, तो पहली पत्नी को अधिकार है कि ये एक ग्राउंड है उसके लिए, इट इज़ अ गुड ग्राउंड फॉर डेजर्शन। वो अपने पति को छोड़ के अलग रह सकती है और अगर डेजर्शन उसका विद रीजन्स है तो शी इज़ इंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर 125 CRPC। बहुत खूबसूरत जजमेंट है, डिस्क्राइब किया गया सारी बात और निश्चित तौर पे ये कानून बेसिक कानून की कस्टम विल प्रिवेल, जो एसेंशियल लॉ है उसके सामने, जब तक वो कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो, जब तक वो इलीगल ना हो, तो कस्टम का सम्मान करते हुए हमारे जजमेंट दिए जाते हैं। वही जजमेंट इसमें आया है, आज ही निर्णय हुआ है और हमने इसको गूगल में पढ़ा है और क्योंकि ये अच्छा लगा इसलिए हम आपसे साझा कर रहे हैं। बड़ी राहत की बात है
उन महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी धर्म या मजहब की हैं। तो अगर उनका पति उनके रहते हुए दूसरा निकाह करता है, दूसरे के साथ लिव इन करता है, तो इट इज़ ए गुड ग्राउंड फॉर डिजर्शन एंड क्लेमिंग ऑल द लीगल राइट्स जो विद कॉज डिजर्शन में पत्नी को मिलने का अधिकार है। इससे एक बात तो है कि जो मल्टी मैरिज का है, और अब तो लिव इन पता नहीं क्यों उच्चतम न्यायालय ने उसको लीगलाइज कर दिया। हमारा ख्याल है कि हिंदुस्तानी कल्चर में उसकी कोई जगह नहीं है, बल्कि दुनिया में कहीं भी उसका स्थान नहीं है, बिकॉज लिव इन मीन्स मैरिज अगेंस्ट पेमेंट, एक सौदेबाजी है कि अब हमारे साथ रहिए, जब तक रहनी है तब तक हम आपका बर्डन उठाएंगे, फाइनेंशियल भी होता है, और उसके बाद आपको अधिकार मिल गया है टू क्लेम मेंटेनेंस एज ए वाइफ ऑल्सो। तो एक अगर किसी की पत्नी जिंदा है और लिव इन कर रहा है, तो जो अपराध पहले बनता था, मेरे मानना ये है कि अपराध बनना चाहिए, वरना मैरिज का पर्पज़ क्या रह जाएगा। भावना में बहना नहीं चाहिए कानून को। सोसाइटी मीन्स सोशल कस्टम्स। सोसाइटी अगर बनानी है तो आपको सोशल कस्टम निभाने पड़ेंगे। जो प्रथा चली आ रही है उसे आप तोड़िए मत, उसे लांगिए मत, उसे कूदिए मत। अगर आपकी पहली पत्नी से निभ रही है तो दूसरी की ज़रूरत क्या है लिव इन की या सेकंड मैरिज करने की या अवैध संबंध बनाने की। और पहले से नहीं निभ रही है आपकी तो तलाक दीजिए, तब दूसरा निकाह कर लीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए, लिव इन कर लीजिए। व्हाई लिव इन, व्हाई टू स्पॉइल लाइफ ऑफ ए लेडी। ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज थोड़ी होती हम लोगों के यहाँ। लीगल के साथ साथ ये रिचुअल्स भी हम लोगों के, जो इसे व्यक्तिगत तौर पर मैं उस निर्णय के खिलाफ हूँ, यहाँ पे लिव इन का अधिकार दिया गया है पति को या पत्नी को। अगर पति को तो पत्नी को मिलना चाहिए, तो घर बिगाड़ने वाली बात है, मनाने वाली बात नहीं, पर जो निर्णय है उसको माना जाता है। आज अच्छा लगा जजमेंट, इसलिए आपको मैंने बताया। हम आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे।